एवरीवन, तो अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। शिवांश उठ चुका है, हमने सोचा था कि वो उठेगा थोड़ी देर बाद। झूला झूलाएगा। बताना कि आपने जन्माष्टमी मनाया या नहीं मनाया एंड किस तरह सेलिब्रेट किया। कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम आने वाला है ना, आने वाला है ना, बहुत अच्छा अच्छा सुपर सुपर। और पूरी गाइज, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम शिवांश को रेडी करेंगे एकदम कृष्णा लुक में, तो आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि शिवांश कैसा वर्क था। वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी सामान था कृष्ण जी या उनके क्लोथ्स या मोर पंख, ये सब मैंने इनको लाने के लिए बोल दिया है, तो शॉपिंग यही करेंगे कृष्ण जी की जो भी शॉपिंग होगी। एवरीवन, तो अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे भगवान जी का झूला। अभी लकड़ी का ही है ना, बहुत बड़ा काम किया हुआ है इसे पूरे। तो आप लोग कमेंट करके बताना ये कैसा लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी हम लोग मार्केट में हैं एंड अभी जस्ट हमने यहाँ ये कुछ शॉपिंग किया है। तो इसमें कुछ मूर्ति वगैरह है, भगवान जी का झूला है एंड मोर की पंख है, माले हैं, सभी कुछ कपड़े वगैरह जो भी कुछ है सब इसमें है फिलहाल चलते हैं। एंड ये हमारे लालगंज मेन टाउन का हाल है, पूरा पानी पानी। जन्माष्टमी की शॉपिंग हो चुकी है और अभी हम घर जा रहे हैं और पीछे हमारे कृष्ण भगवान लला जी हैं, विराजमान हैं। एंड अभी थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मार्केट में बहुत सारा वर्क होता है और मैं ऑलरेडी मेरा बिजनेस है तो कुछ वर्क वहाँ भी मुझे टाइम देना होता है, तो उस वर्क को कम्प्लीट करने के बाद अभी फिलहाल हम घर जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग के पीछे और हमें वहाँ जाने के पीछे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो मैं मतलब उस ब्लॉग जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि कौन सी वो स्टोरी थी। एंड बस ब्लॉग में बने रहिएगा एंड एमली टूर ब्लॉग आने वाला है जो जिसका बहुत दिनों से आप लोग को वेट था बिकॉज मेरी शादी के लगभग 2 साल होने वाली है और मैंने अभी तक कहीं कोई बाहर टूर नहीं किया, आउट ऑफ अपनी स्टेट से कहीं बाहर भी नहीं गया। शिवांश, शिवांश पूजा करेगा, आज शिवांश पूजा करेगा कृष्ण जी का, कृष्णा भी बनेगा। झूला देखे हैं, कृष्णा भी बनेगा। बनू बनू पीछे जाइए, आप बनू पीछे जाइए। ये है मोर पंख और झूला दिखाओ, झूला कृष्ण भगवान का। इसको चाहिए, इसको चाहिए। इसमें कृष्ण भगवान का कपड़ा है वो ना, ठीक है, माला वगैरह है और कृष्ण भगवान जी है। शिवांश करेगा, शिवांश फास्टिंग में, मम्मी शिवांश फास्टिंग में सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं, सिर्फ दूध पिया है। नहीं दूध नहीं पिया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दूध तो फास्टिंग में चल सकता है ना, तो फास्टिंग में हुआ है जन्माष्टमी में, नहीं पीता ही बच्चा है इसलिए पी लिया। हाँ तो बच्चा है ना, किस भगवान माखन चुराई खाते थे कि नहीं खाते थे, दूध ही पिया है ना, ये भी दूध चुराके ना पिया है। और हम घर पहुंच चुके हैं और जो भी पूजा पाठ का प्रोग्राम होगा वो हमें दो चीज और भूल गए, एक तो माखन लाना था मतलब दही वगैरह माखन लाना है एंड प्रसाद वगैरह लाना है, मिठाई वगैरह, तो वो मैं भूल गया हूँ। तो मैं अभी जस्ट फिर मार्केट में मुझे जाना है कुछ काम से, तो मैं अभी जाऊंगा इस बारी तो फिर लेके आऊंगा। कितने बजे होता है रात में? 12 बजे। 12 बजे ना, शिवांश जगा रहेगा ना 12 बजे? बुलाओ तो पापा को, बुलाओ बुलाओ पापा को बुलाओ। हम दीदी बोले मम्मी, शिवांश की दीदी, शिवांश की दीदी। तो शिवांश की दीदी आ चुकी है, तो जन्माष्टमी की तैयारी में आप क्या क्या कर रहे हैं बताइए। राधा जी बनेंगे, राधा राधा जी बनेंगे। वाह राधा जी, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। इरादा मेरा बेटा कृष्णा बनेगा। एंड आप ये देख रहे हो कि मेरा ड्रेस चेंज हो गया, एक्चुअली मैं शॉप से लौटा हूँ
तो उसके बाद मैंने वो वाली ड्रेस चेंज कर ली है, बिकॉज इस वाले ड्रेस में मैं फ्री फ्री लग रहा हूँ, तो मैंने आते आते उसको चेंज कर लिया। पापा है, पापा बोलो बोलो, पापा बोलो, बोल दे पापा। पापा सोना फिर बोल पापा। तो शिवान सभी सो रहा है और मैंने पोछा लगा दिया है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और अभी सारा सामान इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे सजाते हैं। पहले ये लाइट भी लगानी है उधर, और वैसे एक और लाइट है हमारे पास, इसमें मैंने रखा हुआ था, इसमें होगा। वाव सही है, ये वाली जल रही है। तो अभी तैयारी हो रही है जन्माष्टमी की, और पीछे सीन देख सकते हो, हमने वहाँ पे एकदम क्लीन करके साफ कर दिया है एंड ये दिए जलाए जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे भगवान जी का, कृष्ण भगवान का झूला वगैरह जो भी होगा वो लगाया जाएगा वहाँ पे। तो फिलहाल इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि शिवान सभी तक सोया हुआ है एंड उसके उठने से पहले हम तैयारी कर लेते हैं, और वो जब उठेगा तो उसके साथ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जन्माष्टमी को। एंड आप लोग, मुझे तो लगा कि दोनों लाइटें खराब हो गए, पर दोनों जल रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं। अंधेरा करके ये वाला इतना सुंदर लग रहा है ना, अभी मंदिर सजाएंगे ना तो और भी सुंदर लगेगा, है ना। हे गाइस, तो देखते रहिए कि हम लोग कैसे कैसे पूजा करते हैं और यहाँ पे कैसे कैसे सजाते हैं। वैसे सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, बस नीचे से भी लाना होगा वो सिंदूर, और मम्मी को हम लोग सजा के दिखाएंगे, ठीक है। शिवान उठ चुका है, हमने सोचा था कि वो उठेगा थोड़ी देर बाद, बट अभी मम्मी जी उधर से तैयार कर रही हैं, तब तक यहाँ पे जो भी तैयारी वगैरह है हम इसे कंप्लीट करते हैं जल्दी से। कृष्ण जी का झूला पूरा लुक दिखेगा, देखिए उनको, देखिए उनको कैसे कर रहे हैं। बेटा तैयार हो क्या ये आप? यहाँ पे हम अपने कृष्ण भगवान को रेडी करने वाले हैं। तो ये छोटा सा लल्ला कृष्ण भगवान जी हमारे कान्हा शिवांशु नहा दो, नहा दो बम्बा, जय भगवान जी की, जय भगवान जी। मम्मी टीका सी लगा लिया, देखिए तो अभी हमारा वहाँ पे झूला लग चुका है कृष्ण भगवान जी का। हे एवरीवन, तो आप जरूर बताना कि हमारे भगवान जी का झूला कैसा लग रहा है, और वो रहा हमारे भगवान जी का झूला, और साइड साइड से हमने मोर का पंख लगाया है बिकॉज कृष्ण भगवान को ये काफ़ी पसंद भी होता है। एंड माखन भी आया है भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए, एंड दही भी आया है, बहुत कुछ है। और अभी वहाँ पर भगवान जी को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। कमेंट करके बताना कि आपने जन्माष्टमी मनाया या नहीं मनाया, एंड किस तरह सेलिब्रेट किया, एंड आपके यहाँ छोटा बेबी है तो काफ़ी मज़ा भी आया होगा मनाने में, क्योंकि जब छोटा बेबी होता है तो उसके साथ इस त्यौहार को मनाने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड वहाँ देख सकते हैं शिवांशु रेडी है, छोटे बच्चों के लिए। हाँ हाँ, क्योंकि ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए होता है, बिकॉज माखन चोर इस दिन तो सभी बच्चे लगभग मैं देखा हूँ बहुत जगह, सभी सोशल मीडिया पे, सभी जगह पोस्ट, सभी छोटे बच्चे कृष्ण भगवान के अवतार लेके वहाँ पे पिक्चर डाल रहे हैं। एंड कितने सारे आज कृष्ण भगवान है हमारे यहाँ, आज के डेट में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके रूप में हमारे यहाँ कृष्ण भगवान आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कृष्ण भगवान एक छोटा वाला कृष्ण भगवान यहाँ पे, एंड हमारे कृष्ण भगवान वहाँ पे है। तो फिलहाल पूजा वगैरह करते हैं, वो बांसुरी है, बांसुरी दे दो उनका, बांसुरी, देखो देखो कान्हा जी का बांसुरी, चलो
माला पहनाओ कान्हा जी को। कान्हा जी को पता चलेगा खुद घींच के ले जाएगा उधर, पता है? मम्मी 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 कान्हा जी को घींच के उधर ले जाएगा। कान्हा जी का मुकुट देखे ना, कान्हा जी का मुकुट। वाओ बहुत प्यारा है, देखो देखो देखो। ये बोल रहे नहीं, पहले हम खाएंगे। नहीं, पहले कृष्ण जी को माखन चटनी। नहीं नहीं, पहले ये खाएगा। ये भी तो कृष्ण भगवान है ना, ये भी तो कृष्ण भगवान है। वो पकड़ेगी ना मम्मी, वो पकड़ेगी ना, झूला झुलाएगा। मिठाई खाएंगे कृष्ण भगवान है, मिठाई खाएंगे कृष्ण भगवान। हो गया चलो, अभी वो दीजिए ना, वो पकड़े झुलाएगा कृष्ण भगवान को। आरती कुंज बिहारी की, जय कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। चलो सब झूला झुला दो कृष्ण भगवान को। अब चुप हो गया। कृष्ण जी का झूला झूला दे, कृष्ण झूला सकते मैं सो गया। हो गया, ऊपर कपड़े पहनाए और मिठाइयां खिलाई, टीका चंदन दही धूप सबको चढ़ाया। और हाँ, इसकी आंटी हाँ, नहीं तो आरती में मेरा बेटा बचाया है भगवान जी के लिए। तो मम्मी कुछ बोल रहे हैं आपको, आज हम लोग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। हम सुनते कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था ना, जेल में हुआ था। आज ही के दिन हुआ था। और यशोदा, यशोदा नहीं नहीं, यशोदा राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्का के मैया ललन को बताया, बोली मुस्का के मैया ललन को बताया, काले काले नैनों ने ऐसा जा दूधा ऐसा रोला। ठीक था, ठीक था। जादू डाला इसलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। पूजा कंप्लीट हो चुका है और शिवांश भी बहुत परेशान हो चुका है, इसको भी बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है बहुत ज्यादा नींद आ रही है। फिर भी बन तो हम विदा लेते हैं इस ब्लॉग से, और आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग। मम्मी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है ना, आने वाला है ना, बहुत अच्छा अच्छा सुपर सुपर, और पूरी फैमिली के साथ आने वाला है। ये मत सोचना कि हम लोगों कहीं पे जाने वाले हैं, जैसा कुछ नहीं, पूरी फैमिली के साथ अच्छे से ब्लॉग आने वाला है। मतलब आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं ब्लॉग में। तो लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जितना हो सके हमें प्यार दो। एंड जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट में हमसे पूछना, और जहां तक हो हम आपका आंसर जरूर देंगे। और मिलते हैं फिर से, बाय बाय। ये देखिए गाइस, तो शिवांश को सुला दिया है, शिवांश सो रहा है और बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, मुझे बहुत नींद आ रही है। और हमारा पूजा कंप्लीट हो गया। वैसे शिवांश काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, जिसकी वजह से ध्यान मतलब उतने अच्छे से मतलब नहीं कर पाया पूजा। एकदम ध्यान लगा के अच्छे से पूजा करनी चाहिए, और
वो बहुत रो रहा था, लेकिन बच्चा है। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि शिवांश से हमने पूजा करवाया, और वो पहली बार जन्माष्टमी, उसकी फर्स्ट जन्माष्टमी है और उसने पूजा किया, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, मन कर रहा है कि यहीं पे सो जाऊँ मैं, ऐसे यहाँ पे मैट लगा ही हुआ है। और थोड़ी बहुत अगर कुछ कमी हो गई होगी तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि शिवांश रो रहा था जिसकी वजह से मैंने तो पहले से ही सारा सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए था, पर मैंने पहले से नहीं किया। और ये शाम को भी लाए थे मूर्ति, ये सब शाम को, जिसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। तो कान्हा जी को हम सोने देते हैं, आराम करने देते हैं, और हम लोग भी सो जाते हैं। चलते हैं, गुड नाइट।